सो आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ मैं आपके साथ में DIY लिप एंड चीक टिंट, जिसे आप अपने घर पे बना सकते हो बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट को यूज़ करके। एंड मार्केट में बहुत सारे लिप एंड चीक टिंट अवेलेबल है बट प्राइस बहुत हाई होते हैं। तो चलो घर पे कैसे बनाना है ये मैं आज आपको सिखाती हूँ। एंड बहुत ही रोजी पिंकी सा एक टिंट आपको देखने को मिलेगा आपके चीक्स एंड नोज पे, तो यू कैन सी। एंड इसे बनाने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट दे दो, बाकी आपका ये लिप एंड चीक टिंट बनकर रेडी हो जाएगा। तो चलो भाई इसे कैसे बनाना है वो देख लेते हैं एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो हेलो माय क्यूटीज, व्हाट्स अप, आई होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ। सो दिस इज मी स्नेहा, सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ DIY लिप एंड चीक टिंट कि आप घर पे कैसे बना सकते हो। बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं, पैसे ना खर्च करें इससे अच्छा घर पर बना लेते। तो ये रहा DIY लिप एंड चीक टिंट एंड बहुत ही नॉर्मल एंड बहुत ही कम समय में बन गया था। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो की भाई इसे बनाना कैसे है। एंड सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो एंड नाउ करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट आपको लेना है यहाँ पे बीट रूट जूस। एंड मैंने बीट रूट को अच्छे से ग्राइंड करके एंड उसको छान करके लिया हुआ है एंड 1-2 चम्मच मैंने लिया। तो उसके बाद यहाँ पे इंक्लूड कर रही हूँ एलोवेरा बहुत ही अच्छे तरीके से। आप यहाँ पे कोई भी एलोवेरा यूज़ कर सकते हो, लाइक 1 चम्मच मैंने लिया है एलोवेरा एंड इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वैसलीन यूज़ कर रही हूँ। वैसलीन ऑप्शनल है बिकॉज मैं यहाँ पे विंटर में बना रही हूँ, तो मैं वैसलीन का यूज़ कर रही हूँ जिससे कि मेरे लिप्स और अच्छे से हाइड्रेटेड हो एंड चीक्स भी, बिकॉज मेरी स्किन ड्राई बहुत जल्दी हो जाती है। तो इसके लिए आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो, अगर आपको अपना वैसलीन नहीं पसंद है तो आप यहाँ पे वैसलीन स्किप कर सकते हो। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ रोज़ वाटर। रोज़ वाटर मैं एक बहुत ही अच्छे से फ्रेग्रेंस के लिए यूज़ कर रही हूँ, साथ में रोज़ वाटर मेरे लिप्स को भी अच्छे से हाइड्रेट स्मूथ बनाएगा। एंड इसके बाद मैं इसे मिक्स करूँगी, साथ ही मैं इसको मैं करने जा रही हूँ मेल्ट, बिकॉज वैसलीन बहुत जल्दी मेल्ट नहीं होती, तो मैंने अच्छे से मेल्ट करा हुआ है एंड अभी कुछ इस टाइप की कंसिस्टेंसी हो चुकी है, बट इसके बाद भी बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लाइक बहुत ही कॉमन से पार्टिकल्स होंगे वैसलीन के, जिसे आपको अच्छे से रब करोगे ना लिप पे तो बहुत ही जल्दी गायब हो जाएंगे। तो इसके बाद मैं इसको अच्छे से स्टोर कर रही हूँ। आप इसे आराम से 1 वीक तक प्रॉपर स्टोर करके रख सकते हो, चाहो तो इसे फ्रिज में रखने में बहुत अच्छे से ये स्टोर हो जाएगी एंड साथ ही में थिक कंसिस्टेंसी में हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छे से रेडी हो गई है एंड ये आराम से बहुत टाइम तक चल जाने वाली है। 1 वीक की आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हो, 10-15 दिन तक। तो ये बहुत ही अच्छे से DIY लिप एंड चीक टिंट रेडी है। आप इसे अपने लिप पर अप्लाई कर सकते हो, चीक पर अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही प्यारा सा पिंक ग्लो मिलेगा एंड लगाने के बाद ना आपको बहुत अच्छा फील आएगा। साथ में आपका स्किन एंड जो इसका जो टेक्सचर है ना वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट करेगा आपकी स्किन को, बिकॉज इसमें अवेलेबल है एलोवेरा एंड साथ में वैसलीन। वैसलीन हमारे स्किन को बहुत अच्छे से सॉफ्ट करती है एंड हाइड्रेटेड रखती है। तो विंटर के बेसिस मैंने कुछ इस टाइप का बनाया है जिससे कि मेरे लिप्स प्रॉपर टोटली टाइम लाइक हाइड्रेटेड रहें। एंड आप बाय द वे वैसलीन को स्किप भी कर सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, बट मुझे वैसलीन लगाना काफ़ी पसंद है बिकॉज ये काफ़ी अच्छे से हाइड्रेट कर देती है स्किन को। एंड ये जो लिप पे अप्लाई करने पर बहुत ही नेचुरल सा पिंक सा कलर आ रहा है एंड चिक्स पे भी आप देख सकते हैं। तो ये नेचुरल सा DIY लिप एंड चीक टिंट आप डेफिनेटली बना सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको मार्केट में बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करने हो, आप घर पे बना के रख लो। ये जो बीट रूट जूस होता है ना ये भी बाय द वे हमारी स्किन के लिए अच्छा है, साथ में हमारे लिप्स के लिए भी। तो ये ना कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा बिकॉज इसमें ऐसा इन्ग्रीडियंट है जो कि हमारे फेस पे एंड लिप्स पे बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करने वाला है एंड आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हो। यू कैन सी कितना प्यारा पिंक सा ग्लो है लिप्स पे एंड चिक्स पे, सो डेफिनेटली ट्राई जरूर करना। सो ये था मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको DIY लिप एंड चीक टिंट पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे साथ में कमेंट में जरूर शेयर करिएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जाने से पहले और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में लाइक मंडे ऑन सैटरडे। सो या बाय।